आज हमारा साथ है डॉक्टर तेजल कनितकर जो साइंस टेक्नोलॉजी और पर्यावरण पे काम करती है वेलकम टू न्यूज क्लिक मैम एक हफ्ता में हम रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं ये सिक्सटी एथ रिपब्लिक डे है बट हम बाहर क्या देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो डिफरेंस और विभिन्न तरीका का ऑब्जेक्टिव्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो रियलिटी में क्या हो रहा है वो अलग है जो आप तो साइंस में फोकस करती है और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेस कि हम साइंटिफिक विचारधारा ह्यूमैनिज्म और टॉलरेंस को बढ़ावा देना है बट आपके हिसाब में ये जो 68 एट ईयर्स जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हम अडोप्ट किया कुछ पाया या नहीं मुझे मेरे हिसाब से कुछ बदल तो हुए हैं लेकिन काफ़ी हद तक ये साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक विचार जो समाज में आने चाहिए उस पर हम काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे हैं काफ़ी साल से ये कुछ इन कुछ ही सालों का मामला नहीं है काफ़ी साल से आ, बहुत लोगों ने कोशिश की है ये बदलने की लेकिन काफ़ी ऑब्स्टिकल्स रहे हैं और पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा है कि इस पर ज़्यादा ज़ोरों से अटैक चालू हो, हो गया है आ, लेकिन ये अटैक नया नहीं है जो कुछ विचारधाराएँ हैं वो काफ़ी साल से इस देश में रही हैं और उन्होंने उनका काफ़ी साल से ये प्रयास रहा है कि वो एक जो साइंटिफिक मेथड जिसे हम कहते हैं या साइंटिफिक टेम्पर जो कहते हैं हम वैज्ञानिक विचार वो यूनिवर्सिटी के लैब में ठीक है जब तक जहाँ तक आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है लेकिन समाज किस तरह से बदलना चाहिए उस उसमें उस, उस तरीके से हम साइंटिफिक साइंटिफिक टेंपर या साइंटिफिक तरीके से हम उसके बारे में नहीं सोचते आ, तेजल जी ये डेली लाइफ में कैसा इस्तेमाल होता है साइंटिफिक टेंपर क्योंकि हम सोचते हैं और आप भी बताया है कि साइंस तो लैब का है या कुछ रिसर्च के लिए बट बर... डेली हमारा लाइफ में साइंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दृष्टिकोण कैसे ला ला सकते हैं क्योंकि बहुत तो अंधविश्वास है हमारे समाज में उसको दूर करने के लिए आप क्या बोल देखिए मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि साइंटिफिक टेम्पर ये साइंस uh, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से अलग है uh, इसका मतलब है कि हम ये सोचें कि साइंस हम जो ज्ञान uh, प्राप्ति जिसे कहते हैं दी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ये हमें कोई ऊपर से भगवान नहीं देता ये या हम एक जगह समाधि लगा के बैठ जाएँ और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ये नहीं होता इससे ये ह्यूमन एंडेवर से आता है ह्यूमन प्रैक्टिस से आता है मटीरियल प्रैक्टिस से हमें ज्ञान हमारा ज्ञान बढ़ता है ये साइंटिफिक टेम्पर है और यूनिवर्सिटी के अंदर लैब में साइंस चलता है उससे थोड़ा बहुत साइंस का प्रोग्रेस भी होता है लेकिन साइंटिफिक टेम्पर समाज में नहीं आता क्योंकि साइंटिस्ट भी इसी संकुचित विचार के साथ साइंस के बारे में सोचते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट तक ये ठीक है लेकिन लैब से बाहर समाज के बारे में हम साइंटिफिकली नहीं सोचेंगे और ये अलग अलग तरीके से दिखता है हमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है समाज में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ से जहाँ हम यानी औरतें ये तीस दिन में पाँच दिन उनको बाहर बैठना पड़ता है अभी भी काफ़ी जगह है ये शहरों में भी होता है गाँव में भी होता है कि जब भी मैंसुरेशन के टाइम पर औरतें बाहर बैठती हैं क्यों बैठती हैं तभी वो किचन में क्यों नहीं काम कर सकती इसके बारे में ना इस और अभी एक नया ट्रेंड है कि इस इसमें भी एक वैज्ञानिक विचार है ऐसे बताने की कोशिश की जाती है कि देर इज़ ऑल्सो सम साइंटिफिक रीज़न दैट दिस हैपन्स देर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न कि हम यू नो यज्ञ करते हैं शादियों में रिचुअल्स जो होते हैं उनके पीछे भी एक साइंटिफिक विचार है ये जो uh, एक दर इज़ देर इज़ एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई साइंटिफिकली ट्रेडिशन्स विच आर एब्सोल्यूटली अनसाइंटिफिक You know, ये ये जो है ये एक तरीके से एक अटैक है लेकिन जो अभी थोड़ा बदल इस तरह तरीके का हुआ है मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहना कि ये करो हम कह रहे हैं इसलिए करो ये नहीं कह सकते इसलिए उसको एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है लेकिन ये साइंटिफिक जस्टिफिकेशन बहुत इजीली uh, लोग uh, अपना रहे हैं फॉर वेरियस रीजन अपना रहे हैं लेकिन दिस इज दिस इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ द फैक्ट कि एज अ सोसाइटी वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दिस इज दीज आर थिंग्स अवॉइड गेट रिजेक्ट एंड स्टार्ट्रे इसी विषय में आंध्रा तेलंगाना में बाबू गोगिने uh, रैनलिस्ट थिंक का बहुत पॉपुलराइज किया है टी uh, वी शोज में हाउ साइंटिफिक थिंकिंग और वो सब uh, बढ़ावा दे रहे हैं बट यहाँ नॉर्थ इंडिया और हर जगह यू डोंट सी दैट ऑल्सो आप uh, दूसरा कहीं और जगह में बोला था कि ये सुपरस्टिशन या पीपल एंड एल्डर्स जो बच्चों को ये सब अंधविश्वास सिखाते हैं उसका उदाहरण दे सकते हैं आप जो आप बोल रहे थे काला बिल्ली या आई I मीन mean, सन सोलार एक्लिप्स उसके बारे में कुछ तो है वो तो है ही सोलार एक्लिप्स एक्लिप्स के, के समय बाहर नहीं जाना है और इसके लिए भी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है ऐसे कहा जाता है आजकल कि बाहर मत जाओ प्रेग्नेंट औरतें बाहर मत जाओ कहीं बार सर्वेज़ में हम जब ही, हेल्थ सर्वेज़ में देखते हैं कि आ, औरतों को अगर पूछें कि आ, बच्चे का इफ यू हैव हैड अस कैरेज एक्सेट्रा क्यों हुआ है तो कहते हैं कि अरे एक्लिप्स के टाइम पे बाहर गए थे इसलिए हुआ है तो ये सब काफ़ी हद तक समाज में है यार बहुत लोगों ने इसके खिलाफ काम करने की कोशिश की है पीपल साइंस मूवमेंट काफ़ी साल से इसके बारे में बात कर रहा है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति डॉक्टर दाभोलकर यू नो डाइड बिकॉज ऑफ स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स तो ये मुझे लगता है बहुत बहुत अलग अलग तरीके से आजकल तो इट हैज़ बिकम इवन मोर वास्तु ये इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि वास्तु मैंने मैंने मुंबई में जो बोली थी तभी भी कहा था कि वास्तुशास्त्र एक सब लोग सोचते हैं इसके बारे में घर बनाना है खरीदना है किराए पर लेना है सब लोग सोचते हैं वास्तु देख के ही करेंगे ये भी एक है Uh, काली बिल्ली आपने कहा वो भी एक है बहुत सारी छोटी छोटी अंगूठियाँ पहनते हैं अलग अलग स्टोन्स uh, uh, की अंगूठियाँ पहनते हैं हर स्टोन का कुछ uh, मतलब होता है और uh, इस ये सब जस्टिफाई किया जाता है और ये सब साइंटिफिक सोच के uh, वैज्ञानिक सोच के खिलाफ हैं तो इसका मतलब हमारा प्रोग्रेस इसके ऊपर डिपेंड uh, है और हम उसको ही दबाना चाहते हैं जो साइंटिफिक और मॉडर्निटी आई मीन ऐसा है तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है या कितना पीछे है इस विचारधारों के आधार है हम ये ये बहुत सारी ये जो ये जो प्रैक्टिसेस हैं अंधश्रद्धा के प्रैक्टिस रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बहुत सारी एक ऐसी एक एक सोसाइटी से जुड़ी हुई है जो सोसाइटी अनिक्वल है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा विषमता है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन विषमता जो कायम रखना चाहते हैं जो कौन कायम रखना चाहता है जो जिस, जिस पे जिस जो शोषित है वो कायम रखना नहीं चाहता है जो शोषण करता है उसको कायम रखने की ज़रूरत होती है और वो जो शोषण करता है वो उसके लिए अलग अलग जस्टिफिकेशन फिर लेके आता है कि हमारा देश बहुत ही प्रगतिशील था ये सब साइंटिफिक ही था इसीलिए तो ये किया है क्योंकि इसके साथ ये अगर हम कहने लगे कि ये साइंटिफिकली जस्टिफाइड है तो इसके साथ जो बाकी की विषमता है वो भी साइंटिफिकली जस्टिफाइड है ये कहने का एक अवसर मिल जाता है उनको तो ये और ये विषमता जब तक है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते आगे बढ़ने का एक बहुत एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज दैट ये सब जो प्री मॉडर्न इवन द फॉर्म्स ऑफ प्री मॉडर्न ऑपरेशन In society have to be completely removed and these are various manifestations of 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 the form of forms oppression. Of so that means जो हमारा नया संविधान भारत का संविधान है और जो हमारा पुराना सोच ये तो टक्कर में है बट अभी जो सत्ता में है ये पुराना विचारधारा का बढ़ावा देना सत्ता है तो हम कैसे सब प्रोग्रेसिव थिंकर्स इसको लड़ सकते हैं क्योंकि संविधान को पीछे करना है कर रहे हैं बट लोग में भी और पीपल भी उनका चाल देख रहे हैं तो आप क्या मैसेज दे सकते हैं हमारा श्रोता को मुझे लगता है कि ये आगे आके कहने की ज़रूरत है ये जो हम बहुत बार आ, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जब आ, कि कोई कहता है गाय ये करती है वो करती है और साइंटिस्ट भी अगर पंचगव्य को पैसा जा रहा है आयुष के लिए पैसा जा रहा है तो थोड़ी देर तक बहुत देर तक चुप रहते हैं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तभी सिर्फ आके आगे आके कहते हैं कहने से डरते हैं मुझे लगता है कि ये इसका बहुत एक बड़ा प्रभाव हो सकता है समाज पे। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने आके आगे इसके खिलाफ बात करनी चाहिए इसके खिलाफ़ बात करनी चाहिए और कोई भी अगर इस तरह के विचार आगे बढ़ाता है तो उसके खिलाफ बात करने की बहुत ज़रूरत है आज ये डेंजरस है क्योंकि हमने रैशनलिस्ट के खून हो चुके हैं हमारे देश में पिछले तीन चार साल में सब खून डॉक्टर दाभोलकर कांग्रेस सरकार के टाइम पे मारे गए थे और तभी भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है उनके इन्वेस्टिगेशन में कलबुर्गी और कॉम्रेड पानसरे जो मारे गए वो बीजेपी सरकार जब भी थी तभी मारे गए हैं लेकिन हम देखते हैं कि ये अब गौरी लंकेश का भी मर्डर हुआ है तो नॉट मर्डर्स और ये सब रैशनलिस्ट पोजीशंस लेने वाले जो साइंटिफिक विचार रखने वाले साइंटिफिक विचार समाज में आना चाहिए इसके बारे में लड़ने वाले ये जो सब लोग हैं इनके ऊपर अटैक जब भी होता है तभी बाकी लोग बात करने से डरते हैं ये डर पैदा करना भी एक, आ, एक ये इस ऐसे एक शोषित समाज को कायम रखने की कोशिश है Uh, और इसके अगेंस्ट अगर सा, हम सामान्य लोग जो है जो रेगुलर पीपल नॉर्मल पीपल हैव टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट दीज आर ऑल्सो मुझे लगता है कि एक कुछ चीज़ चीज़ें जो होती है जो स्ट्रक्चरल लेवल पे बदली जानी चाहिए और उसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लगती है बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे लड़ सकते हैं वो भी हम नहीं लड़ते बहुत बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल ऑब्सक्योरेंटिज़्म जिसे हम कहते हैं कि ये जो डेली लाइफ पे हमें जो हमारा हम हम जो कन्फ्रंट करते हैं ना इसके खिलाफ हम इंडिविजुअल जिनके पास एजेंसी है इंडिविजुअल एजेंसी है वो तो लड़ सकते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए थोड़ा लड़ना पड़ेगा घर पर लड़ना पड़ेगा घर के बाहर लड़ना पड़ेगा लेकिन वो लड़ाई ज़रूरी लड़ाई है जो बहुत सारे जनरेशन ने की है इस जनरेशन में थोड़ी कम लग कम हो गई है वो लड़ाई क्योंकि डर लगता है शायद कि और बाकी के सारे बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं कि हम कैसे वेस्टर्न आइडियाज़ आ रहे हैं इसलिए हम फैमिली सिस्टम खो रहे हैं हम माँ बाप के खिलाफ बात करने लगे हैं लेकिन हम आज जितने जितना प्रोग्रेस हम कर पाए हैं इसी वजह से कर पाए हैं क्योंकि लोगों ने अपने माँ बाप के खिलाफ लड़ाई की है पहले हमारे तो इससे के सच्चाई के लिए और इसके इस आगे हमें अगर जाना है तो जो चीज़ें गलत है वो अगर हमारे माँ बाप भी कर रहे हैं तो उनको गलत कहने की ताकत हम में होनी चाहिए इस थैंक यू फॉर द सजेशंस एंड फॉर योर व्यूज़ ऑन दिस। अब सब लोग ये प्रोग्रेसिव थॉट और विचारधारा जो साइंटिफिक विचार से मिलती है उसको आगे लेके हमारा देश को प्रोग्रेस करने में आप फंडामेंटल ड्यूटी आपका होगा थैंक यू और सब्सक्राइब करिए ज़रूर न्यूज़ क्लिक को थैंक यू